महाराष्ट्र यानी मजबूत भारत के निर्माण में अतुलनीय योगदान देने वाले महान छत्रपति शिवाजी महाराज की कर्मभूमि महाराष्ट्र यानी वीर मराठाओं के अथक परिश्रम से सिंचित उर्वर भूमि महाराष्ट्र यानी एक ऐसा वाइब्रेंट राज्य जिसकी अनूठी संस्कृति और विरासत को देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने दिलाई है एक नई पहचान। भारत के इतिहास में पहली बार 10 लाख करोड़ रुपए सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास के लिए रखे गए हैं। ये 9 साल की तुलना में 5 गुना ज्यादा है। इसमें भी रेलवे का हिस्सा लगभग 2.5 लाख करोड़ रुपए का है। महाराष्ट्र के लिए भी रेल बजट में ऐतिहासिक वृद्धि हुई है। वर्ष 2014 के बाद से मोदी सरकार द्वारा महाराष्ट्र में रेलवे के विकास में अभूतपूर्व निवेश किया गया है। वर्ष 2023 में महाराष्ट्र को रेलवे विकास के लिए 13,000 करोड़ रुपए से अधिक आवंटित किए गए, जो कि वर्ष 2009 से 2014 के दौरान सालाना औसत बजट की तुलना में करीब 12 गुना अधिक है। महाराष्ट्र में नई रेल लाइनों के निर्माण, दोहरीकरण और रेल मार्गों के विद्युतीकरण में भी रिकॉर्ड गति से कार्य किया जा रहा है। आज महाराष्ट्र में 7 वंदे भारत ट्रेनों का संचालन किया जा रहा है। ये ट्रेनें राज्य के निवासियों को आरामदायक और तेज सफर का अनुभव करा रही है। आज अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत राज्य में बड़ी संख्या में रेलवे स्टेशनों का कायाकल्प किया जा रहा है। वहीं गत वर्षों में मुंबई महानगर में उपनगरीय रेल सेवाओं के आधुनिकीकरण पर भी विशेष ध्यान दिया गया है। इंफ्रास्ट्रक्चर निर्माण और कनेक्टिविटी विस्तार के इस क्रम में आज प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कर कमलों द्वारा किया जा रहा है लगभग 2,000 करोड़ रुपए की रेल परियोजनाओं का उद्घाटन एवं राष्ट्र को समर्पण। आज जिन परियोजनाओं का उद्घाटन किया जा रहा है उनमें शामिल है खारकोपर उरण उपनगरीय रेल खंड, दीघा गांव न्यू रेलवे स्टेशन, साथ ही आज किया जा रहा है खार रोड और गोरे गांव के बीच नवनिर्मित 6ठी रेल लाइन का राष्ट्र को समर्पण, और प्रधानमंत्री जी द्वारा हरी झंडी दिखाकर किया जा रहा है उरण खारकोपर EMU ट्रेन सेवा का शुभारम्भ। खारकोपर उरण न्यू डबल रेल लाइन सेक्शन के शुभारंभ से स्थानीय निवासियों, छात्रों, व्यापारियों और दैनिक यात्रियों को होगा विशेष लाभ। एस्केलेटर और लिफ्ट जैसी सुविधाओं से युक्त दीघा गांव रेलवे स्टेशन दिव्यांगजन अनुकूल है और इससे स्थानीय निवासियों को मिलेगी लोकल ट्रेनों में सफर की सुविधा। इसी प्रकार खार रोड एवं गोरे गांव के बीच निर्मित 6ठी रेल लाइन के निर्माण से यहां से गुजरने वाली मेल व एक्सप्रेस ट्रेनों का निर्बाध आवागमन होगा सुनिश्चित। विकसित भारत के निर्माण में संकल्प को सिद्ध करने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे रही है भारतीय रेल।